हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्डिंग को किस तरीके से निकालते हैं, एक तो हमने क्वालिटेटिव मेथड पढ़ा था। क्वालिटेटिव मेथड का मतलब उससे हमसे 100% एक्यूरेट मेथड नहीं आ पाता। और एक हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव हमने डायपोल मोमेंट से रिलेटेड पढ़ा था। और एक और मैंने बताया था क्वांटिटेटिव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 16 इंटू काई ए माइनस काई बी, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस 3.5 ब्रैकेट में काई ए माइनस काई बी का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। आई होप सो कि आपको वहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट जो मैंने आपको आयोनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एच ओ एच बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल एंगल बॉन्ड एंगल इन द एच टू ओ मॉलिक्यूल, एच टू ओ मॉलिक्यूल, एच टू ओ मॉलिक्यूल में एच ओ एच बॉन्ड एंगल इज 105 डिग्री, ठीक है, ये मुझे दिया गया। एंड एंड द एच ओ बॉन्ड लेंथ, एच ओ बॉन्ड लेंथ एच ओ बॉन्ड लेंथ इज बीइंग 0.94 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये मुझे दिया गया। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, द डाइपोल मोमेंट, डाइपोल द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज 1.85 डीबाई, ठीक है। द चार्ज ऑन, फाइंड द चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, फाइंड द चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, आपको ऑक्सीजन एटम पे चार्ज निकालना है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करके दे जाता है क्वेश्चन, लेकिन हम तो थ्योरेटिकली अप्रोच से हम कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन समझते बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे एच ओ एच, अभी फिलहाल के लिए तो मैं एच ओ एच बॉन्ड बना रहा हूँ बच्चों, ऐसे इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब मैंने आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आप देख सकते हो कि दोनों बॉन्ड आपके सिमिलर है, दोनों बॉन्ड आपके एच ओ है, जब दोनों बॉन्ड अगर आपके सिमिलर होंगे तो यहां पर मुंह में कोई डिफरेंस होगा, इन दोनों के बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं होगा। और जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट, यहां पर हम क्या निकालेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट। और दोनों के बीच का एंगल हमको कितना दिया गया बच्चों, 105 डिग्री, ऐसा कुछ दिया गया। इस तरीके से हमारा कुछ, जब सबसे पहले क्वेश्चन मिलते ही आप लोग सबसे पहले उसको एक है ना, उसको एक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जल्दी से हो आपका हो जाएगा। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, न्यू नेट इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बच्चों, म्यू स्क्वायर, एक बार इसका एक बार इसका, ठीक है, प्लस टू म्यू म्यू कॉस थीटा। एक्चुअली में आपका फॉर्मूला क्या होता है, आप म्यू नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू, अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, लेकिन यहां पर दोनों का म्यू सिमिलर है इसलिए मैंने सिमिलर लिया। अब म्यू नेट की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों, यहां पर म्यू नेट की वैल्यू 1.85, तो 1.85 लिख दिया। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, टू म्यू स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिखूंगा, टू म्यू स्क्वायर कोस थीटा की वैल्यू 105 डिग्री, ठीक है। अभी आपको 105 डिग्री की वैल्यू आपको आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन में यहां पर कोस थीटा कोस 105 की वैल्यू कुछ आपको गिवन रहेगी बच्चों, यहां पर कुछ वैल्यू आपको गिवन रहेगी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो ध्यान रखना बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर क्या आ जाएगा, टू म्यू स्क्वायर 1 प्लस कोस 105 डिग्री, ये आ जाएगा। नाउ यहां से जब मैं म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, केवल और केवल म्यू की वैल्यू, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने के लिए दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, 2μ² 1 cos। आपने फिजिक्स में भी किया होगा ऐसे क्वेश्चन काफी। और यहां से हम क्या कर देंगे, 1.25 डिवाइड बाय स्क्वायर, ठीक है, 1 cos 105 डिग्री, और यहां पर 2, देन यहां पर μ². नाउ अब हम इसका रूट ले लेंगे, तो यहां पर म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1.85 स्क्वायर, ठीक है, 1.85 स्क्वायर प्लस 2 × 1 cos 105 डिग्री, ठीक है। ये तो आपका था क्वेश्चन। अगर मैं आपको बोलना चाहूं यहां पर कि cos 105 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग निकाल सकते हो बच्चे, यहां पर आप लोग इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। cos 105 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी होगी बच्चों, यहां पर आपको सर ने भी पढ़ाया होगा, यहां पर अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 4, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स में अंडर रूट ऑफ 2 और यहां पर आ जाएगा 4, ठीक है। नाउ जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव एट कुछ आ जाएगा, -0.258, ये आपका आता है cos 105 की वैल्यू, ये होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स में, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। आप सिंपली बोल सकते हो ना 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा ना, ध्यान से समझना ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर आपके यहां पर तो आपके सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखो, यहां पर और यहां से 0 डिग्री, यहां से हम रोटेट करते हैं, ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 प्लस 90 180 डिग्री, और ये आपका 90 इसमें ऐड करो 270 डिग्री, और यहां पर आपका 360 डिग्री। अब आप जानते हो यहां पर सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव साइन में होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पॉजिटिव साइन में होते हैं। अब यहां पर आपके केवल और केवल क्या होते हैं, साइन और कोसेक आपके होते हैं, साइन और कोसेक होंगे बच्चों यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या होगा, टेन और कोट होता है, यहां पर टेन थीटा और कोट थीटा आपके ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव वैल्यू में होते हैं, और यहां पर आपका कौन होता है, यहां पर आपका होता है कोस थीटा और सेक थीटा आपके पॉजिटिव वैल्यू में होते हैं, ठीक है, कोट थीटा, यहां पर लिख लो कोट थीटा। तो इस तरीके से हम यहां पर आपका सेक होता है, यहां पर आपका सेक थीटा होता है, और यहां पर आपका कोट थीटा। तो आप लोग देख सकते हो कि 90 प्लस एंगल किस किस के बीच है, एंगल इज बिटवीन 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, जब ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या आपका कोस थीटा पॉजिटिव होता है, नहीं होता, तो इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन, ठीक है। ये तो आप लोगों को ऑब्वियसली आता होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों, यहां से म्यू की वैल्यू, अब यहां से मैं जब म्यू की वैल्यू निकालूंगा तो म्यू की वैल्यू आपकी आएगी 1.52 × 10⁻¹⁸ ESU cm, ठीक है। एक्चुअली मैं ध्यान से समझना बच्चों, जो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जिसमें दिया है डिवाई में, तो इसको सबसे पहले आप लोग किसमें चेंज कर लो, ESU सेंटीमीटर में, किसमें चेंज कर लो बच्चों, इसको आप लोग ESU सेंटीमीटर में इसको चेंज कर लो, ठीक है, सबको ESU सेंटीमीटर में। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये पूरी वैल्यू ऐसे हो जाएगी 10⁻¹⁸, और यहां पर स्क्वायर हो जाएगा ESU सेंटीमीटर में, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, सारी वैल्यू को ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैंने कन्वर्ट कर दिया है, यहां पर भी लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहां पर वैल्यू निकाल ली म्यू की। अब जो ये म्यू मिला है वो किस किस के बीच मिला है बच्चों, ओ एच के बीच, किस किस के बीच मिला है, ओ एच के बीच, किस किस के बीच मिला है बच्चों, ओ एच के बीच, ठीक है। तो ओ एच के बीच का बॉन्डिंग, ओ एच के बीच का जो डायपोल मोमेंट है वो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीजन पे चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन पे चार्ज निकालना है। तो ऑक्सीजन पे चार्ज में किस तरीके से निकालूंगा बेटा,
देख लेते हैं। अब देखो ऑक्सीजन पे चार्ज निकालूंगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज किसकी वजह से डेवलप होगा? ओएच बॉन्ड की वजह से। जब ऑक्सीजन पे चार्ज, अगर अगर आपका ओएच बॉन्ड की डेवलप उसकी वजह से डेवलप होगा तो म्यू की वैल्यू आ गई ओएच बॉन्ड की, तो म्यू ऑफ ओएच बॉन्ड इक्वल टू क्यू इंटू डी, ऐसा आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। डिस्टेंस कितना है, बॉन्ड लेंथ कितना है ओएच बॉन्ड का? 9.4। अब देखो यहां पर म्यू की वैल्यू किसमें है? ईएसयू सेंटीमीटर में, तो हमें सारी वैल्यू ईएसयू सेंटीमीटर में रखनी पड़ेगी, सारी वैल्यू हमको ईएसयू सेंटीमीटर में रखनी पड़ेगी। यहां पर क्यू कर दिया, यहां पर डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ डिस्टेंस कितना है? यहां पर 0.94, 0.94 एंगस्ट्रॉम। अब देखो एंगस्ट्रॉम, देखो यहां पर ध्यान से समझना, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^-10 मीटर एंड 10^-8 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको यूनिट कन्वर्जन एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बार किया होगा, ठीक है? तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1.52 × 10^-18 ईएसयू सेंटीमीटर क्यू इंटू 0.94 × 10^-8 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया आपका, तो यहां पर क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, निकाल सकते हैं क्यू इक्वल टू 1.52 × 10^-18 डिवाइडेड बाई 0.94 × 10^-8। नाउ इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1.617 × 10^-10 ई एस यू, ये आपका चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से ये आपकी चार्ज की वैल्यू आ गई। कैसे आई बच्चों, देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले क्या किया, बॉन्ड एंगल से म्यू नेट निकाला, म्यू नेट को फिर हमने सॉल्व करते करते इस तरीके से चार्ज की वैल्यू निकाली। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन से हमको थोड़ा सा यूनिट और कन्वर्जन को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बस यूनिट और कन्वर्जन अगर आप लोग ध्यान रख लिए बच्चों तो आपसे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना है। यूनिट और कन्वर्जन आप लोग ध्यान रखो, याद रखो, आपको धीरे 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 सब याद हो जाएगा। यूनिट और कन्वर्जन कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, तो मैं आपको बताता जाऊंगा यहां पर एक एक करके ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट, हैज अ डाइपोल मोमेंट, हैज अ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.2 dB, 1.2 dB के इसका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। इफ द बॉन्ड डिस्टेंस, इफ द बॉन्ड डिस्टेंस, इफ द बॉन्ड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम आपका बॉन्ड डिस्टेंस है, देन आपको क्या निकालना है, द फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक, द फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पे आपको फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। पिछली बार ऑक्सीजन एटम पे निकाला था, देखो बच्चों डाइपोल मोमेंट में जितना आपका ऑक्सीजन एटम पे होगा उतना दोनों पे होगा, हाइड्रोजन और उस पर। तो आप देखते हो कि डाइपोल में हम क्या करते हैं बच्चों, कि ए और बी, डाइपोल क्रिएट हुआ ए और बी, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पर पार्शियल प्लस, यहाँ पर जितना चार्ज होगा उतना चार्ज यहाँ पर भी होगा, इक्वल होगा ना चार्ज। तो इसीलिए हम किसी भी एक एटम को निकाल लेंगे तो वही आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपका हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है, अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट 1.2 dB, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों ध्यान से। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले समझेंगे सॉल्यूशन, आपको क्या दिया है डाइपोल मोमेंट, मतलब म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू 1.2 dB, ठीक है, डिस्टेंस आपको गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम, तो यहां से हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, तो क्यू इक्वल टू म्यू बाई डी, ये मैंने निकाल दिया। अब म्यू की वैल्यू आपके किसमें है, डीवाई में, तो आप लोग जानते हो 1 dB इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 dB इक्वल टू क्या होता है, 10^-18 ईएसयू सेंटीमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10^-8 सेंटीमीटर। तो इसमें यूनिट कन्वर्जन कर देंगे
म्यू की जगह रखो बच्चों ये डाइपोल मोमेंट 1.2 और 1 डीबाई की जगह आप क्या कर दोगे 10^-18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, अब डी की वैल्यू इसमें रख दो -8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों 1.2 × 10^-10 ESU। आप ध्यान से समझना बच्चों, यूनिट काट दो, यूनिट को क्रॉस कर दो, यूनिट को क्रॉस करने पर जो आपका चार्ज का इतना ध्यान रखना, चार्ज का यूनिट होता है ESU और एक होता है कूलम्ब। ठीक है, दो तो ध्यान रखो, एक आपका EMU भी होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आप लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, तो चार्ज के तीन होंगे, तीन तो आपके पॉपुलर है। ठीक है, पॉपुलर चार्ज है। ठीक है, एक और होता है बच्चों इसके अलावा, तो यहां पर समझ लेते हैं कि ESU। ठीक है, अब यहां पर चार्ज का यूनिट आपको पूरा अगर है ना यूनिट और डायमेंशन को भी क्रॉस करोगे, आप लोगों ने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन, तो यूनिट और डायमेंशन को भी क्रॉस करोगे तो इसी की वैल्यू आएगी। ठीक है, चार्ज का ही वो यूनिट आपका अपने आप आ जाएगा, तो यहां पर आ गया आपका ESU। नाउ अब सेकंड स्टेप, आपको क्या निकालना है द फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब देखो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो वन चार्ज ऑन, देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10^-19 कूलम, और आप लोग ध्यान रखो चार्ज के लिए 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10^-9 ESU, सॉरी +9 एक कूलम की वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो कूलम की जगह हम इसको ना रखते बच्चे इससे मल्टीप्लाई करते कूलम की जगह कूलम हटा के हम इससे मल्टीप्लाई करते, देखो 3 × 10^-9 ESU, देन टोटल विल बी व्हाट 4.8 × 10^-10 ESU। अब दोनों का सिमिलर है। ठीक है, और ध्यान रखना जब भी फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल आपका क्या होता है नॉन डायमेंशनल यूनिट होता है। ठीक है, नॉन डायमेंशनल यूनिट फ्रैक्शन हम किस के बीच निकालते हैं, जैसे मुझे वॉल्यूम का फ्रैक्शन निकालना है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे मुझे लेंथ का फ्रैक्शन निकालना है तो मीटर बाय मीटर, तो इसी तरीके से फ्रैक्शन निकालते हैं हम। तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे चार्ज बाय चार्ज, तो यहां पर देख लेते हैं ध्यान से कि अब देखो फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज परसेंटेज निकाल देते हैं, फ्रैक्शनल परसेंटेज फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहां पर टोटल पहले पहले कितना था बच्चों इतना था, लेकिन होना कितना चाहिए था इसमें से इतना आया, तो यहां पर फ्रैक्शन आप देख सकते हो बच्चों। फ्रैक्शन क्यों पूछा है, क्योंकि यहां पर पार्शियल का कंसेप्ट है ना, यहां पर पार्शियल चार्ज आया मतलब थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज, तो इसलिए आपका यहां पर फ्रैक्शनल का कंसेप्ट आया, इससे ये गया। अब ये कितना हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो परसेंटेज निकलेगा, यहां पर ये आपका कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 25%, तो कितना फ्रैक्शन आ गया बच्चों 25%। बस आप लोगों को थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, और क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों कि यूनिट और डायमेंशन का आपको खासा ध्यान रखना है। आपको किसका खासा ध्यान रखना है बच्चों, यूनिट और डायमेंशन का आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को आई होप कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, ऑफ HCl का आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना है। गिवन दैट द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको गिवन दैट की क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.03 dB। ठीक है, एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज
बॉन्ड लेंथ आपको क्या दिया हुआ है, 1.275 एंगस्ट्रॉम, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको काफी इजी है, एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। और मैंने आपको बताया था कि उसके फॉर्म में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय थियोरेटिकल थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमको ऑब्जर्व वैल्यू तो दे दी गई है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमको खींचा दी गई है। बच्चों पहले फॉर्मूला लिख लो और उसमें पहचान लो कि कौन कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन कौन सी वैल्यू नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ऑब्जर्व म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू हमको दी गई है, क्या दी गई है बच्चों, 1.03 dB। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर थियोरिटिकल नहीं दे दी गई है, तो म्यू थियोरिटिकल हम कैसे निकालेंगे बच्चों, वही कंसेप्ट लेंगे, क्या होता है क्यू इंटू डी, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ESU में बच्चों, ESU में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU सेंटीमीटर। अब पूछोगे कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, ये आपने कैसे लिख दिया, अब आप लोग पूछ सकते हो कि बच्चों सर आपने ये कैसे लिख दिया। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, और 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहां पर 3 × 10⁻⁹ ESU। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, कूलम को मैंने ESU में क्या कन्वर्ट कर दिया, ESU, चार्ज आपका ESU में आ गया। अब डिस्टेंस क्या है HCl बॉन्ड के बीच, 1.2745 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मैंने ESU में लिया तो यहां पर भी मैं किसमें लूंगा बच्चों, यहां पर भी मैं सेंटीमीटर में लूंगा क्योंकि ESU सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, कंप्लीटली हम किसमें सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, CGS में। ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, 6.12 × 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.12 × ध्यान से समझना बच्चों, इंटू इसको डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर, मतलब 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर विल बी व्हाट, 1 डिवाइड। जो जो मैं साइड में लिखा रहा हूँ बच्चों, वो ध्यान रखना है आपको, वो आपको ध्यान रखना है, और आप ऐसे ही न्यूमेरिकल करोगे। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपको फ्रूटफुली आपका बहुत ही सिंपल और बहुत ही करेक्ट हमेशा आंसर आएगा। नाउ अब मुझे देखो, म्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू आ चुकी है, म्यू ऑब्जर्व की, थ्योरेटिकल की वैल्यू हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर निकालेंगे। ठीक है, और म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू आ चुकी है, तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर विल बी म्यू ऑब्जर्व कितना दिया, 1.03 dB में, और ये भी आपका 6.12 dB में, और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे बच्चों, 100। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 16.83%। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने डील किया। तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड थे। एक और क्वेश्चन अगर हम देख सकते हैं बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ बच्चों, एक और क्वेश्चन, थोड़ा आप लोग कोशिश करो, आप लोग जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आप लोग लैंग्वेज समझो क्वेश्चंस की, क्या बोलना चाह रहा है। मैंने इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। एस्टीमेट एस्टीमेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, एस्टीमेट द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HBr मॉलिक्यूल, ऑफ HBr मॉलिक्यूल, HBr मॉलिक्यूल। ठीक है, गिवन दैट द डाइपोल मोमेंट गिवन दैट द डाइपोल मोमेंट विल बी व्हाट, म्यू, ठीक है, म्यू इज 0.79 dB। ठीक है, एंड द HBr बॉन्ड लेंथ
एंड द एचबीआर बोर्ड लेंथ 1.51 पिकोमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, गिवन दैट द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जो जब भी आपको डायपोल मोमेंट दिया गया हो वो कौन सा होगा बच्चों, हमेशा वो हमेशा आपका ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट होगा। जब भी आपको दिया गया होगा वो कौन सा होगा, ऑब्जर्व। थ्योरेटिकली हम लोग निकालते हैं, थ्योरेटिकली डायपोल मोमेंट क्या करते हैं बच्चों, हम लोग निकालते हैं। तो थ्योरेटिकली डायपोल मोमेंट निकालो, न्यू थ्योरेटिकली की कैसे निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर निकालोगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ESU, ठीक है। नाउ एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, एक पिकोमीटर, देखो 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10^-12 मीटर, और कितना होता है, 10^-10 सेंटीमीटर। अब इसको दे देखो, यहाँ पर 10^-10 सेंटीमीटर कर दिया। नाउ जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको मैं कौन से डिग्री में लेके आऊंगा, इसको मैं इसी डिग्री में लेके आने की कोशिश करूंगा, 7.248 × 10^-18, क्या बोलेंगे इसको, ESU सेंटीमीटर। ठीक है, ESU सेंटीमीटर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब मैं इसको क्या बोलूंगा, 7.248 dBi मैंने कर दिया, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया, dBi आ गया। ठीक है, dBi में मैंने वैल्यू लिया है, ठीक है, म्यू थ्योरेटिकली म्यू ऑब्जर्व आ गया। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर विल बी व्हाट, देखो म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू कितनी है थी, 0.7579 dBi, तो 0.79 dBi डिवाइडेड बाय 7.248 dBi, अब यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, परसेंटेज वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 10 point something कुछ परसेंटेज, 9 something कुछ आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने डायपोल मोमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को डील कर लिया है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज उसको हम क्या बोलेंगे, अभी तो हमने क्या देखा था बच्चों, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, अब हम देखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, बच्चों ये बात को ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, अब क्या होगा, लेट कंसीडर, हम लोग एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने लिया Na, Na प्लस, ठीक है, अब यहां पर मैंने Cl माइनस लिया, Cl माइनस के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपके वेव के फॉर्म में होता है, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यहां पर आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जो कि फर्स्ट क्या होगा बच्चों, सिमेट्रिकल वे में, सिमेट्रिकल वे में क्या होगा बच्चों, अरेंज्ड होगा, जो कि आपका सिमेट्रिकल वे में अरेंज होगा, आपका यहाँ पर Cl- के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो कि आपके सिमेट्रिकल वे में अरेंज होगा। ठीक है, नाउ ठीक है, व्हेन वी व्हेन, अब देखो क्या होगा अगले स्टेप में, व्हेन व्हेन सोडियम Na+ आयन आयन इज क्लोजर टू एनायन एज Cl माइनस आयन, मतलब Na प्लस आयन को अगर मैं क्लोजर डिस्टेंस पे ले आऊं, क्लोज कर दूं, ठीक है, Na प्लस आयन अगर आपके क्लोज आ जाए, इसके पास आ जाए, तो क्या होगा, Na प्लस आयन इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर क्या कर देगा बच्चों, अट्रैक्ट कर लेगा, देखो इस तरीके से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये आपका माइनस चार्ज, ये आपका कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट कर देगा, मैं बना देता हूँ डायग्राम बच्चों, ये आपका कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट कर देगा, ये देखो कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा ये, अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा एक्चुअली में, देखो पहले तो सिमेट्रिकल था, जब Na+ आया तो क्लोजर टू एनायन Cl-, तो क्या किया इसने, तो इसने किया क्या, Na प्लस आयन आयन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन आपका वेव के फॉर्म में होता है, इसलिए मैंने इसको क्लाउड लिखा है। ठीक है, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आपका अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर लेगा एंड शेप ऑफ C
सीएल माइनस इज डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड शेप इसका हो जाएगा, मतलब इसका शेप आपका चेंज, विल बी डिस्टॉर्टेड, ठीक है, विल बी डिस्टॉर्टेड, इसका शेप आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टॉर्टेड शेप इसका हो जाएगा। अब यहां पर इसका शेप आपका क्या हो गया बच्चों, डिस्टॉर्टेड हो गया। नाउ अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही देखो यहां पर सीएल माइनस ने एट्रेट कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा, जो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ये जो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज बिहेव एज दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और आप लोग जानते हो बच्चों कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा तो यहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल NaCl। अब NaCl के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है, ये आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है। आप देखो मैंने कोवेलेंट कैरेक्टर में आयोनिक कैरेक्टर किस तरीके से आया मैंने आपको बताया था, अब यहां पर मैंने देखा कि आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरीके से आया, यहां पर NaCl हमने एग्जाम्पल लिया, NaCl हमने एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल लिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ। एक्चुअली जब शुरुआत में Na+ को जब मैं पास लाया तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो Cl- का जो सिमेट्रिकल वे में अरेंज था इनिशियली ये आपका कौन से किस तरीके से अरेंज था बच्चों, सिमेट्रिकल वे में, लेकिन जब मैंने इसको Cl- के क्लोज लाया तो Cl- ने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और इसके शेप को डिस्टॉर्ब कर दिया, इस तरीके से आपका शेप हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों उसके आगे का कंसेप्ट, अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोलूंगा बच्चों में, ध्यान से समझना। देखो क्या हुआ कि जब Na+ इसको इसके पास लाया तो इसने क्या किया, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, Na+ विल पोलराइज्ड Cl- आयन, मतलब Cl- आयन को एक तरफ खींचा, मतलब इसमें पोल्स क्रिएट किए, पोल्स क्रिएट किए, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, पोलराइज्ड कर दिया, तो Na+ विल बी पोलराइज्ड Cl- आयन एंड सो वी कैन से दैट फोर कैटायन वी हैव टू चेक पोलराइजेशन पावर। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इसने इसको पोलराइज किया, मतलब जो आपका कैटायन है, यहां पर जो आपका कैटायन है उसका पोलराइजेशन पावर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका इसको खींचेगा, उतना ज्यादा आपको खींचेगा। तो हमको कैटायन के लिए क्या करना है बच्चों, पोलराइजेशन पावर को चेक करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर Cl- के रेस्पेक्ट में, तो Cl- के रेस्पेक्ट में मैं क्या लिखूंगा बच्चों, समझते हैं यहाँ पर Cl- के रेस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे, देखो फॉर Cl- विल हैव पोलराइजिबिलिटी, मतलब Cl- के पास टेंडेंसी है पोलराइजेशन होने की, ठीक है, पोलराइजिबिलिटी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टेंडेंसी टू
टेंडेंसी टू बी पोलराइज्ड, पोलराइज्ड होने की टेंडेंसी है, ठीक है, टेंडेंसी टू बी पोलराइज्ड, पोलराइज्ड होने की टेंडेंसी है। सो वी कैन से दैट, एन आयन विल बी बिहेव, सो वी कैन से दैट फॉर एन आयन वी हैव टू चेक, पोलराइजिबिलिटी पावर, पोलराइजिबिलिटी पावर, ठीक है। अब आपको दो टर्म समझ में आया होगा कि एक होता है पोलराइजेशन पावर, एक होता है पोलराइजिबिलिटी। तो देखो एनायन के लिए हम क्या चेक करेंगे, अब यहां से आप लोग समझ सकते हो बच्चों, ध्यान से धीरे धीरे एक कंसेप्ट समझो, धीरे धीरे समझो क्या हो रहा है, बस एक लाइन से आप सब समझते जाओ। तो यहां पर Na प्लस के लिए हम क्या चेक करेंगे, मतलब यहां पर कैटायन के लिए, फोर कैटायन, और यहां पर लिखता हूं मैं फोर एनायन, ठीक है, फोर एनायन। अब देखो ध्यान से समझेंगे, फोर कैटायन के लिए हम क्या चेक करेंगे बच्चों, पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सॉरी, पोलराइजेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, साइज के आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर मैं सिंपली एज अ टर्म में बात करूंगा, यहां पर देखोगे, अगर आपका देखो यहां पर सिंपली हम बोल सकते हैं इसको एक और टर्म, चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, इसको हम बच्चों क्या बोल सकते हैं, सिंपली चार्ज डेंसिटी। जब हम इसको चार्ज डेंसिटी बोलेंगे तो इसका कंसेप्ट अब हम समझते हैं। देखो ध्यान से, चार्ज डेंसिटी, एक में चार्ज बनाता हूं, देखो छोटा आयन है, इसके ऊपर चार्ज आपका कांस्टेंट है, मतलब प्लस प्लस 5 चार्ज में मान लेता हूं। एक मैंने बड़ा आयन बनाया, अब यहां पर भी मैंने 5 चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आप देख सकते हो कि चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी आपकी कहाँ ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी आपकी इस पॉइंट पर ज्यादा होगी, तो इसका आपका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों, इसका आपका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, ठीक है। और हम एक और कंसेप्ट यहां बोल सकते हैं कि देखो ध्यान से समझना, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका पोलराइजेशन पावर आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो चार्ज डेंसिटी हम कब देखेंगे, जब हमारा चार्ज सिमिलर हो, क्या हो, चार्ज सिमिलर हो, मतलब सबके ऊपर प्लस टू प्लस टू प्लस टू, या फिर प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, या फिर सबके ऊपर प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो हम क्या देखेंगे, साइज। अब आप बोल सकते हो कि साइज छोटा होगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं बच्चों। तो एज एग्जाम्पल, सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, देखो ध्यान से समझना, मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं, देखो एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे मेरे पास एल प्लस थ्री, और यहां पर मैंने ले लिया एन ए प्लस एम जी प्लस टू, और एन ए प्लस वन, और यहां पर तो आपको सिंपली देख रहा है कि चार्ज किसका सबसे ज्यादा है, चार्ज यहां पर सबसे ज्यादा है, तो पोलराइजेशन पावर भी आपका एल्यूमिनियम प्लस थ्री का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम प्लस टू का, फिर उसके बाद एन ए प्लस वन का, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। या फिर मैं अगर एक और एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको समझ में आए साइज वाला पॉइंट, तो देखो मैंने लिया लिथियम प्लस वन, सोडियम प्लस वन, पोटेशियम प्लस वन, ठीक है, और साथ साथ मैंने ले लिया यहां पर आरबी प्लस वन और सीएस प्लस वन। तो आप बोल सकते हो कि सबके ऊपर सिमिलर चार्ज है, तो साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो, कम आपकी हो जाएगी, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो पोलराइजेशन पावर कम होगा। तो यहां पर साइज का देख सकते हो पोलराइजेशन पावर किसका सबसे ज्यादा होगा, लिथियम प्लस वन का, एनए प्लस वन का, पोटेशियम प्लस वन का, आरबी प्लस वन का, और सीएस प्लस वन का। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, उसको समझना, देखो ध्यान से, फॉर
फोर कटायन हम किसके लिए देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, फोर कटायन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नोट डाल के लिख सकते हो बच्चों कि नोट डाल के इस पॉइंट को लिखो, नोट डाल के कि स्यूडो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कॉन्फिग्रेशन हैज हाई पोलराइजेशन पावर, हाई पोलराइजेशन पावर, हाई पोलराइजेशन पावर इन सेम पीरियड, हाई पोलराइजेशन पावर पावर। ठीक है, अब ये कंडीशन हमें कब लगेगी, जब आपका सेम पीरियड होगा, सेम पीरियड का एलिमेंट होगा, ठीक है, या फिर कब लगेगा, जब आपका चार्ज सिमिलर होगा, चार्ज सिमिलर होगा, ठीक है, चार्ज सिमिलर होगा। अब आपको यहां पर समझने वाले में दिक्कत वाली पॉइंट आपका कौन सा है बच्चों, यहां पर जो आपको दिक्कत देगा वो पॉइंट आपका कौन सा है देखते बच्चों। तो यहां पर मैं आपको बोल सकता हूं दिक्कत देने वाला पॉइंट आपका यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझने वाली बात है कि स्यूडो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम किससे बोलेंगे। जैसे मैंने लिया Zn प्लस टू, अगर मैं Zn प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 आपका बाहर जाएगा, हम एनर्जी के हिसाब से नहीं लिख रहे, ठीक है, हम नंबर ऑफ शेल के हिसाब से लग रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से। यहां पर क्या जाएगा 3d10 और यहां पर 4s2। अब देखो प्लस 2 है तो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आप देखो यहां पर सारे ऑर्बिटल आपके क्या है बच्चों, फुल फिल्ड है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्यूडो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बात क्लियर है बच्चों, इसको हम ये बोलते हैं। जैसे मैं बात कर लू Cu+1 का, तो Cu+1 क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 4s1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये भी आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नोबल गैस की तरह। तो नोबल गैस, स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपका कौन रखता है, Cu+1 एग्जांपल, जैसे आपका Zn+2 या फिर मैंने ले लिया Ag+1, दीज आर द एग्जांपल फॉर स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और बात क्या होती है कि स्यूडो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का अगर सेम चार्ज होगा और सेम पीरियड का होगा तब आपका ज्यादा होगा, तो देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल कि किसका आपका पोलराइजेशन पावर आपका ज्यादा होगा। देखो यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, सपोज कि यहां पर मैंने लिया है Zn+2 और Ca+2। अब आप देख सकते हो Ca+2 इज अ फोर्थ पीरियड एलिमेंट और ये भी आपका फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, दोनों आपके फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, चार्ज भी आपका सिमिलर है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये आपका स्यूडो है तो इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बच्चों। अब नाउ अब हम चलते हैं बच्चों यहां पर अब हम चलते हैं बच्चों कौन से पॉइंट पर, फिर एनआईएन के केस में। तो एनआईएन के केस में हम क्या देखते हैं बच्चों, पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी। अब एनआईएन के केस में हम पोलराइजिबिलिटी देखते हैं या फिर एबिलिटी ऑफ पोलराइज, अपने आपको पोलराइज कब करेगा, जब आपका साइज क्या हो, साइज के क्या हो बच्चों, साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी, कैसे। अब देखो मैं एक स्मॉल मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ये वाला, एक मैं बड़ा मॉलिक्यूल ले रहा हूं, अब देखो ध्यान से समझना, जब आपका चार्ज क्या हो, चार्ज सिमिलर हो, चार्ज सिमिलर हो, चार्ज आपका क्या हो बच्चों, चार्ज कांस्टेंट हो, चार्ज आपका सिमिलर हो, तब हम साइज ही देखेंगे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझ लेना, जब आपका चार्ज सिमिलर हो तो हम साइज ही देखेंगे। देखो ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, पांच चार्ज लगाए, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है। अब देखो यहां से इसको अट्रैक्ट करेगा तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो होल्डिंग पावर मतलब अट्रैक्शन पावर क्या होगा, अट्रैक्शन पावर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, अट्रैक्शन पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इस पर डिस्टेंस कम है तो यहां पर ज्यादा होल्ड करके रखेगा, तो यहां पर एज कंपेयर टू दिस अट्रैक्शन पावर इज लेस एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू ए, ये मैंने बोल दिया ए और ये मैंने बोल दिया बी, ठीक है, तो ए से ज्यादा लेस होगा बच्चों, ठीक है, लेस एज कंपेयर टू ए, ए में क्या होगा डिस्टेंस छोटा होगा, साइज छोटा होगा, तो इसको ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेगा,
होल्ड करके रखेगा ना, माइनस चार्ज को ये न्यूक्लियाई होल्ड करके रखेगा, तो ये आपको इसको मतलब शेयर्ड क्यों होने देगा, ये आपको क्या आपका क्या आपका कैटायन इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर लेस अट्रैक्शन पावर होने की वजह से, जैसा मैंने बताया था कैटायन को क्लोज लाते हो तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है लेकिन इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से हम बोलेंगे कि अगर साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपके क्या होता है पोलराइजिबिलिटी, इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, चार्ज बढ़ेगा तो मतलब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इफ चार्ज अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो उस पर क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मैं एज एग्जांपल लेता हूं बात यहां पर कि एन थ्री माइनस ओ टू माइनस और एफ माइनस। अब देखो चार्ज किसका सबसे ज्यादा है, चार्ज यहां पर N3- का सबसे ज्यादा है, जब चार्ज ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसकी पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी। या फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं साइज के रेस्पेक्ट में, तो साइज के रेस्पेक्ट में देखते हैं बच्चों एक और एग्जांपल, तो साइज के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलना चाहूं ओ टू माइनस एस टू माइनस, देखो चार्ज सिमिलर है तो हम साइज देखेंगे, साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन पावर लेस होगा तो पोलराइजिबिलिटी होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो किसका आपका ज्यादा होगा पोलराइजिबिलिटी, S माइनस टू का। थोड़ा इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो, ठीक है। तो हम यहां पर फाइनली क्या बोल सकते हैं, अब देखो यहां पर पोलराइजेशन मैंने आपको शुरुआत में लिखा था, पोलराइजेशन मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन करेंगे देखो यहां पर Na को, अभी मैंने आपको ऐसे ही लिखाया था Cl माइनस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसे ही मैंने लिखाया था यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने बना दिया, ठीक है। अब Na प्लस को जैसे ही मैं क्लोज लेके आऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, Na प्लस को जैसे ही मैं इसके क्लोज लेके जाऊंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, Na प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस का शेप आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आपका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका किसका कहां पर होता है, कोवेलेंट में, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, आप लोग जानते हो, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपका पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा होंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा होंगे। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इसका मतलब आपका आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां तक तो बातें समझ में आ गई, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन की ज्यादा होगी और आपका पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन का ज्यादा होगा। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, पोलराइजेशन ऑफ कैटायन आपका ज्यादा होगा, ये पूरा कंसेप्ट आ गया, ठीक है। अब देखो अबाउट कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड Above concepts are related to Fajan rule. अब इसी सारे concept को हम क्या बोलेंगे बच्चों, Fajan rule। यही हमारा क्या था बच्चों, इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे, Fajan rule के बारे में, तो यही आपका Fajan rule है। और Fajan rule हमको क्या निकालना सिखाता है बच्चों, आप लोगों ने समझा होगा Fajan rule ने क्या निकालना सिखाता है हमको, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। बच्चों ये अक्सर पूछ लेता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, कहीं को नहीं पता होता लेकिन आप लोग ध्यान रखो, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर को निकालना बताता है। तो आपको यहां पर हम एक सिंपली बोल सकते हैं कि जब वेन, अब मैं यहां पर आपको एक सिंपल नोट लिखाता हूं,
नोट डाल के लिख लो यहां पर कि आपको कैसे डील करना है, व्हेन चार्ज इज सिमिलर, जब आपका चार्ज क्या हो जाए बच्चों, सिमिलर हो जाए, देन देन आपका क्या होना चाहिए बच्चों, एनआईएन एनआईएन शुड बी लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, एनआईएन आपका क्या होना चाहिए साइज में बड़ा होना चाहिए, एंड कैटायन शुड बी, एंड कैटायन शुड बी, कैटायन शुड बी स्मॉलर इन साइज, इन साइज। ठीक है, अब अगर बेटा आपका साइज का तो ठीक है, इफ चार्ज आर डिफर, इफ इफ चार्ज चार्ज ऑन एटम्स आर, एटम्स आर डिफरेंट, देन 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 कैटायन शुड बी हायर चार्ज, कैटायन शुड बी हायर चार्ज, हायर चार्ज एज वेल एज एनायन, आपका एनायन का भी चार्ज आपका ज्यादा होना होना चाहिए। ठीक है, दोनों का चार्ज आपका क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा होना चाहिए। तो इस बात को समझ लो कि ये नोट डाल के दो पॉइंट आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने बच्चों, ये दो पॉइंट अगर आपने ध्यान रखे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो समराइज है, समराइज वैल्यू, समराइज व्यू, वो यही है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। और मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि कोवेलेंट कैरेक्टर में आपका आयोनिक बॉन्ड कैसे आएगा। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इस चीज को अब हम एज एग्जाम्पल अब हम समझते हैं बच्चों, एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल। राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। अब सबसे पहले ध्यान से समझेंगे बच्चों एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, KCl, MgCl2 और यहां पर AlCl3। अब इसको मुझे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे कि क्या है, क्या वैल्यूज रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे यहां पर, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एक एक करके समझते बच्चों। जैसे मैं यहां पर देख सकता हूं एनायंस आर सिमिलर, एनायंस आर सिमिलर, एनायंस आपके क्या है बच्चों, सिमिलर है, तो एनायन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्या है वो भी सीएल माइनस। अब यहां पर देखते हैं कैटायंस आर डिफरेंट, कैटायंस आर डिफरेंट, कैटायंस आपके डिफरेंट है कौन कौन से बच्चों, यहां पर के प्लस, एम जी प्लस टू और ए एल प्लस थ्री। अब मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हम चार्ज दे दी, देखेंगे चार्ज आपका डिफर कर जाए, यहां पर चार्ज मैक्स, चार्ज जिसका ज्यादा होगा, कैटायन का चार्ज शुड बी हायर, चार्ज आपका हाई होना चाहिए, तो चार्ज आपका हाई होगा तो इसकी पोलराइजेबिलिटी, इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, और जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, तो एल के रेस्पेक्ट में जो भी होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एम जी सी एल टू, एज कम्पेयर टू के सी एल। और जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर अगर आपका ज्यादा होगा उसका आयोनिक कैरेक्टर आपका अपने आप कम हो जाएगा, तो आयोनिक कैरेक्टर जस्ट इसका उल्टा कर दो, ये हो गया आपका आयोनिक कैरेक्टर। तो इस तरीके से हमने यहां पर पोलराइजेशन पावर को समझा है बच्चों। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फजान रूल। काफी हद मतलब यहां पर इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर साल आता है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर साल आएगा बच्चों। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो आप लोग, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझो। तो अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहां पर Li2O, Na2O और K2O। अब आप देख सकते हो बच्चों यहां पर फिर आपको क्या मिला है, एनायंस आर सिमिलर, एनायंस आर सिमिलर, यहां पर भी आपका एनायंस आर सिमिलर, एनायंस आपके क्या है बच्चों, सिमिलर है,
जो कि क्या है बच्चों O2 2 माइनस, ठीक है। तो एनहेंस का तो हम देखेंगे नहीं। अब देखो कैटायंस आर डिफर, कैटायंस आर डिफर, कैटायंस आपके डिफर कर गए कौन कौन से, एल आई प्लस है इसमें, इसमें आपका क्या है बच्चों एन ए प्लस है, इसमें आपका क्या है बच्चों के प्लस है। अब देखो सब में चार्ज सिमिलर है तो हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। सब में अगर आपका चार्ज सिमिलर है तो हम क्या देखेंगे बच्चों, साइज देखेंगे। तो साइज जिसका ज्यादा बड़ा होगा उसका क्या होगा बच्चों, पोलराइजेबिलिटी एबिलिटी क्या, पोलराइजेशन पावर, कैटायन में क्या देखेंगे सॉरी, पोलराइजेशन पावर। जिसका साइज बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन पावर कम होगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो मैंने आपको लिखा था, तो इसका पोलराइजेशन पावर आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एन ए प्लस, एज कंपेयर टू के प्लस। नाउ जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो हम देख सकते हैं कि एल आई टू ओ का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एन ए टू ओ, और एन ए टू ओ का ज्यादा होगा के टू ओ। फिर अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर निकालना चाहूँ तो आयोनिक कैरेक्टर में किसे निकालूंगा, किसका ज्यादा होगा के टू ओ का आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जस्ट उल्टा करना है बच्चों, ठीक है। इसको एक एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिंपल कंसेप्ट, प्योर कंसेप्ट, ठीक है। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है और यहाँ पर आपका क्या बच्चों पोटेशियम है, इसको तो हम सिंपल भी बोल सकते थे कि मेटल में मेटालिक कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्योंकि सबका हम एक कॉमन रूल हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल जो कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया जेड एन ओ, एक मैंने लिया यहां पर एल एन और एक मैंने लिया यहां पर एल आई सी एल। अब यहां पर क्या है कैटायंस, यहां पर इसको सबसे पहले तोड़ लो आप लोग, ठीक है। जेड एन प्लस टू ओ टू टू माइनस ए एल प्लस थ्री एन थ्री माइनस समझने के लिए, और एल आई प्लस वन और सी एल माइनस। आप देख सकते हो बच्चों यहां पर कैटायंस कैटायंस एंड एनायंस बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, दोनों के दोनों आपके क्या है बच्चों डिफर कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, फॉर एनायन वी हैव टू चेक व्हाट, फॉर एनायन वी हैव टू चेक व्हाट, पोलराइजेबिलिटी। तो एनायन का चेक कर लेते हैं हम, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। अब देखो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, अब देखो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले एनायन लिख लो ओ टू माइनस एन थ्री माइनस सी एल माइनस, चार्ज डिफर कर रहा है तो जिसपे ज्यादा चार्ज होगा उसका आपका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा है पोलराइजेबिलिटी, आपका एन थ्री माइनस ओ टू माइनस सी एल माइनस, चार्ज को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। देन आफ्टर मैं बात कर रहा हूं यहां पर पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, कैटायन का पोलराइजेशन पावर ढंग बताओ बच्चों की, कैटायन कौन कौन से है, एक तो आपका जेड एन प्लस टू है, एक आपका एल्यूमिनियम प्लस थ्री है, एक आपका लिथियम प्लस वन है। अब देखो यहां पर तो आपका चार्ज डिफर कर रहा है, तो आप सिंपली बोल सकते हो जब आपका चार्ज डिफर करेगा तो पोलराइजेशन पावर भी एल्यूमिनियम प्लस थ्री की सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका जेड एन प्लस टू, उसके बाद आपका लिथियम प्लस वन, ठीक है। अब देखो जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा, जिस एनायन की पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा और पोलराइजेशन पावर भी ज्यादा, तो उससे बनने वाले कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, जेड एन ओ कोवेलेंट कैरेक्टर, फिर उसके बाद क्या जाएगा एल आई सी एल। नाउ अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर की बात करूंगा तो आयोनिक कैरेक्टर एल एन का सबसे कम, फिर आपका जेड एन ओ, फिर आपका लिथियम सी एल का सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखो कितना तरीके से करना है, क्वेश्चन को तरीके से करना है। आप लोग तरीके से जब तक क्वेश्चन करोगे ना, नहीं करोगे तब तक आपको केमिस्ट्री टफ लगेगा, लेकिन आप लोग जब तरीके से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे तब आपको केमिस्ट्री काफी ईजी लगने लग जाएगी बच्चों, ठीक है। तो मेरी बात मानो, आप लोग तरीके से क्वेश्चन करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर, मैंने एक ले लिया सीओ, एक लिया जेड एन ओ, एक लिया जेड एन एस। नाउ अब मैं क्या करूंगा, दोनों डिफर कर रहा है तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ के देखता हूं। देखो सी ए प्लस टू, जब दोनों डिफर हो ना बच्चों तब मैं तोड़ के देखूंगा। तो यहां पर जेड एन प्लस टू ओ टू माइनस, यहां पर जेड एन प्लस टू एस माइनस टू। अब देखो यहां पर कैटायंस एंड एनायन, कैटायन एंड एनायंस
बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, तो हम देख सकते हैं कि बच्चों यहां पर हम क्या देखेंगे, पोलराइजिबिलिटी इन एनायन, एनायन में हम पोलराइजिबिलिटी देखेंगे। कौन कौन से एनायन है बच्चों, O2 माइनस है, एक S2 माइनस है। अब देखो O2 माइनस S2 माइनस, चार्ज आर सेम, चार्ज आपके सिमिलर है, जब आपके चार्ज सिमिलर है तो हम साइज देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कैटायन में, सॉरी एनायन में जैसे साइज बढ़ेगा पोलराइजिबिलिटी भी बढ़ेगी, तो यहां पर किसका हो जाएगा पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, S2 माइनस का। ठीक है, अगर इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आता वो मुझसे पूछ सकता है, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ अगर मैं बात करूं पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, कैटायन में हम पोलराइजेशन पावर देखेंगे, और कैटायन कौन कौन से, Ca+2 और Zn+2। अब देखो चार्ज सिमिलर है, और ये क्या लगता है बच्चों, स्यूडो स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका स्यूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, रखता है कि नहीं रखता, और दोनों सिमिलर पीरियड के, तो आपका किसका, आपका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, Zn+2 का। नाउ जिसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा और जिसकी जिस कैटायन का पोलराइजेशन पावर ज्यादा और जिस एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, तो उससे बनने वाले कंपाउंड का कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ Zn इसका ज्यादा होगा, उसके बाद इसका ज्यादा है तो ZnO का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, आपका CaO कोवलेंट कैरेक्टर निकाल लेना हो। आयोनिक कैरेक्टर अगर मैं निकालना चाहूं तो Zn इसका सबसे कम, फिर ZnO, फिर लास्ट में CaO। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों, चारों क्वेश्चन। और जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे उनको आप 2 से 3 बार करो, 2 से 3 बार समझ समझ के करो। अगर एक बार आप, अगर आपने समझ समझ के कर लिया तो इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम बना लोगे बच्चों। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।